वापस से बना के लेके आ, बट मैं नहीं बना के लेके आऊंगा। मैं बनाऊंगा ना। वाह माशाल्लाह क्या खाना बनाया है भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा। भाई हमारी खैरान जाने वाली बस लग गई है। सो हेलो जी गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अरे भाई मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं और सारी बस जाने वाली है, सीधा निकलेंगे सब लोग धपा धप। एंड मेरे को है ना सो रहा था, कल रात को मैंने 8 बजे खाना खा लिया था, तो 8 से लेकर अभी पूरे 12 घंटा हो गए। हाँ तो पेट में ना गुड़ आवाज़ भी आ रहा है और भूख भी लगी है, तो मैंने बोला चलो इसी बहाने आप उन कर लेंगे आज नाश्ता। और मेरी ड्यूटी है ना 11 बजे की ड्यूटी है, तो मेरे को अभी स्टिल बहुत सारा टाइम है, तो उसके पहले 7, 4, 11 पूरे 4 घंटे हैं। मेरे कि जब तक नाश्ता भी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी सुबह राइस खाना ना तो एकदम लेजी जैसा फील होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अपने सेम जगह पे जहाँ पे हम नाश्ता किया करते हैं, तो लेट्स गो। पार कर ले भाई, पार कर लिया। एक बंदा बेचारा अपनी बस का वेट कर रहा है, वो आदमी देख रहे हो टिफिन उफिन अपना कैरी करके रखा हुआ है, और जो जो बस में जाने वाला है देखो ये पिज़्ज़ा हट का बंदा है बाहर बैठता है, तो सीधा अकोमोडेशन के पास में जाके बस में अभी बैठ के जाएगा काम पर। जो जहाँ पे भी रहेगा ना बराबर 7 बजे यहाँ पे टच हो जाता है, नहीं तो 5 मिनट भी लेट हुआ ना बस रुकती नहीं है, चली जाती है। यह होती है स्टाफ की लाइफ। एक बात शेयर करना था मेरे को आप लोग से भाई, मैं अपना घर सब कुछ बताते आया हूँ वीडियो में, और कभी कभी है ना फील होता है कि यार मैं किसी को जानता नहीं, आप मेरे बारे में सब जानते हो और मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और कभी भी उठ के सीधा आ गया घर वर पे तो थोड़ा दिक्कत ना हो जाए यार। अब बताओ ये मेरे जो मन का थॉट है मेरे को एक दुविधा में डाल रहा है, कल को अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो सारा जिम्मेदारी कौन लूँगा, मेरा रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मिलना वुलाना रहा कभी ज़िंदगी में तो भाई मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा और फिर हम मिलेंगे। ओके तो चलो अभी पहले नाश्ता करते हैं और खाते हैं, और याद रखना जीवन में स्ट्रगल मेहनत करते रहना तो आपको सक्सेस मिलेगा, वरना किसी और के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो लेट्स गो, बस हो गया आज का ज्ञान, खा लिए यार सुबह सुबह, अच्छा हुआ सही टाइम पे आ गया। कोई गाली मार रहा है क्या, बैठेगा भाई, ये तो मेरा घर बन गया ऐसा। और ये भाई अपना मसाला डोसा आ गया और स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। मज़ा आ गया भाई, मसाला डोसा और एक चाय। मैं सोचा एक मेहंदी वड़ा लूँ, तो खाते खाते जब पता चला ना मेरा पेट एकदम भर गया तो मेहंदी वड़ा कैंसिल कर दिया। बोला भाई पेट भर गया, अब 4 घंटा है, अब वापस से एक नींद तो मार ही लूँगा मैं, और बाकी की मेरे पास में 2 वीडियो पड़ी हुई है एडिट करने के लिए, तब वो एडिट भी करना है। तो फिलहाल चलते हैं घर पर एंड मिलेंगे सीधा अब जॉब पर। मज़ा आ गया आज का दिन नंबर 1। जब पेट भरा होता है ना सारी चीज़ें करने का मन करता है और सब कुछ अच्छा भी लगता है, और पेट ना भरा हो और भूख के मारे मैं अंदर से कहारू मतलब तड़पू तो मज़ा नहीं आता है भाई। और थैंक यू सूरज मामा, इतने गर्म हो आप। चलो मिलते। मजे कर ले जिंदगी के। नहीं छुट्टी नहीं, 12 बजे
सबको पता है कि मैं दो महले पे रहता हूँ। ये सारी चीजें मेरी छोटी छोटी चीजें मैं हाइड नहीं कर पाता हूँ ना, और सबको पता चल गया कि मैं इस फ्लोर पे रहता हूँ। बट कोई नहीं, इंडिया में जाने के बाद में कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें प्राइवेट रखूं। खुला हुआ है, अच्छा हुआ। सो ऑल राइट लड़कों और लड़कियों, एकदम तुम्हारा भाई रेडी होके मत से आज सुबह सुबह, जैसे कि पता होगा कि नाश्ता खाया था और पेट है ना अभी तक भरा है, तो मुझे 3 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बज रहे देखो 12:05 बाकी है, तो बस वाले का वेट कर रहे, तो जैसे ही बस वाला आ जाए फिर आप निकलेंगे। और कल की जो मैंने फिश बनाई थी ना भाई, एक नंबर फिश बनाई थी। अगर कल वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी के कुछ पल ऐसे बिताए हैं जैसे कि पूछो ही मत। और वो जो मच्छी का स्वाद था, हालांकि मैंने अलग तरीके से, मतलब अब मैं ऐसे खा रहा था क्योंकि सुबह से खाना नहीं मिला था, तो ऐसा जो भूखा आदमी कैसे होता है, सेम वाली हालत हो रखी थी मेरी। तो हमने जो मच्छी बनाई है भाई, एक नंबर बनाई थी। तो उसी एक मच्छी को पैक कर आज सवेरे पैक कर लिए एकदम बढ़िया से टिफ़िन में, और उसको लेके जा रहे हैं काम पर। अब जैसे ही हमें वक्त मिल जाएगा हमारी ज़िंदगी का कुछ पल के, तो हम खाने पहुंच जाएंगे। हालांकि लेके जा रहे हैं तो खाएंगे तो ज़रूर, ऐसा नहीं है कि इसे साइड में रख देंगे, बट खाएंगे तो ज़रूर। और हालांकि आज की ज़िंदगी जो ऐसी है, जो आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं कुछ पल, कुल अपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पल, और उन्हीं पल में से एक क्वेश्चन हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आ रखा था, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बैग पैकिंग पर क्या लेके आए, अगर हमको कुवैत आना है या फिर हम कुवैत के लिए निकल रहे हैं अब इंडिया से या नेपाल से किसी भी कंट्री से आपको, तो हम बैग पैक करके क्या लेके आए। तो भैया इस बात का तो हमें जवाब तो देना ही है, बट उसे हम वहाँ पर देंगे, कहाँ पर, काम पर, सारा काम ख़त्म करने के बाद में, क्योंकि ये जो जवाब है ना वो अपने आप में ही एक सवाल है। अब उसका जवाब देना ज़रूर बनता है, क्योंकि जब मैं पहली बार आ रहा था तो हमें खुद नहीं पता था कि हम अपने बैग में भरे क्या। भाई साहब अब इतने टाइम का एक्सपीरियंस हो गया है ट्रैवल का, एटलीस्ट 2 कंट्री मैंने घूमा है, एक ओमान और एक कुवैत, तो कुछ एक्सपीरियंस को बटोर कर हम आपको बताएंगे। तो फिर बने रहना वीडियो में, अभी चलते हैं पहले काम पर, वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों में यहाँ पे कुछ ऐसी तूफानी होने वाली है जिसका कोई अंदाज नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आएंगे हमारे रेस्टोरेंट पर और दबा कर पेट भर कर खाएंगे, जिससे कि हमारी आमदनी तो होगी बट हमारा मुनाफा ये होगा कि भैया उस दिन डबल पेमेंट होगा, जैसा कि हर बार मैंने आपको बताते आया है। हालांकि 2-4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उस दिन के, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपनी फैमिली छोड़कर पैसा ही तो कमाने आए हैं। तो पैसा कमाने का अंदाज एक अलग ही चीज़ है जो आपको मोटिवेट रखता है और ज़िंदा रखता है, और तुम्हारे खाने पीने में और तुम्हारे लाइफस्टाइल में बहुत काम आता है। तो चले चलते हैं भैया, ऑलरेडी अरे मेरा भाई कैसा है, बहुत नींद पूरा हुआ, कल कितने बजे गया था, कल 5 बजे चल एक नंबर भाई, जब भी हम इस बंदे से मिलते हैं तो मज़ा आ जाता है भाई, एक नंबर। कल कैसा रहा छुट्टी, कल तो छुट्टी भाई मज़े किया मैंने, बुलाया बनाया मजे आ गए, मगर मच्छी विच्छी बना के चलो चलते हैं काम पे, बस अभी आएंगे यार। तो भैया मिलते हैं तुमको वहाँ पे, ओके। तो भाई इसी के साथ में पहुंच गए अपने खैरान मॉल में, देखो 1 दिन के बाद में देखने मिल रहा है। आहा प्यारे प्यारे लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो इनको देख के मजा आ जाता है। पहुंच गए, मेरा बस गया नॉर्मल। अरे हम लोग 3 लोग हैं, एक ये भाई है और एक वो है, खाली 3 लोग। ताको बेल का मुझे मिलेंगे ज्यादा लोग रात को मिलेंगे ज्यादा। बास्किन रॉबिन्स
ताको बेल ज्योति ऑर्डर ले रही है। गुड गुड टेक ऑर्डर। तो भाई पहुंच गए अपने रेस्टोरेंट के पास में। ये रहा हमारा प्यारा सा बर्गर किंग का लोगो और सब्बे का लोगो, दिखता होगा आपको। तो मिलते हैं। 2000 years later. तो इसी के साथ में भाई अपना हुआ अभी थोड़े टाइम के लिए थोड़ा ब्रेक, क्योंकि शाकिर आज आया ही नहीं, तो इसके चक्कर में मेरे को खाना खा के और तुरंत ही वापस पे काम पे ज्वाइन करना है। तो खाने में कल की जैसा कि बता रखा था मेरा फिश और चिकन और ये भाई तो अभी पहले खा ले, ये भी टेस्ट करेगा। मैंने बोला कि आज मैंने फिश बनाया टेस्ट कर ले, तो ये फिश टेस्ट करेगा और फिर रिया टेस्ट, लेट्स सी भाई टेस्ट कर बता कैसा लगा। मैं भी यार खाऊंगा यार, माँ कसम बोल रहा हूँ अगर तू एक बार खाएगा ना तो बोलेगा शशिकांत वापस से बना के लेके, बट मैं नहीं बना के लेके आऊँगा मैं बनाऊंगा। वाह माशाल्लाह क्या खाना बनाया भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा मेरे को उसका कसम से। उसके अंदर जो है ना नमक सब बिल्कुल सही है, माशा अल्लाह सब एक नंबर है। यहाँ पे निकालेंगे मजा आ गया। कौन सा वाला फीस है ये? अब कोई भी है खाने का ट्राई कर। नाम नाम वो अलग टेस्ट पता नहीं, राजा रानी बोलते पता नहीं। ओहो भाई साहब भाई फिश ना, कल मेरे को मन कर रहा था मैं कल ही खा लूँ, मगर मैं बोला कि नहीं मैं लेके जाऊंगा वहाँ पे खाऊंगा। चलो भाई खा लेता। खाना खत्म, दोनों भाई ने ना भाई दबा दिया वो। मैं बोला भाई तू जल्दी जाओ, अकेली है लड़की, मतलब वहाँ पे ना एक चाहिए ना बनाने के लिए, तो इसको भाई को भेज दिया हो गया। और अभी मेरे को टिफिन वगैरह सारा धोना पड़ेगा। ये मजा आ गया भाई, मजा अब लगा कि कुछ गया है शरीर में। जिस लड़के का इंतजार कर रहा था ये रहा वो लड़का, इसकी वजह से स्टिल माफी लाइसेंस इस गाय। और ये लड़की के साथ में आज काम करने मिलेगा और साथ में ये जाएगी, हालांकि मंजू मॉर्निंग हो गई या इवनिंग हो गई है। हेलो भाई, अब वो आ गया है, मैं बोला कि 10 मिनट में रुक के आता हूँ, तभी मैंने खाली 20 मिनट का ब्रेक लिया था, बोला कि तू आ जा फिर मैं जाऊँगा। तो मैं अभी 10-15 मिनट में एक ब्लॉग देख रहा था, उसको देख के पूरा कंप्लीट करूँ। और एक दुर्घटना हो गई है यार कुवैत में, और 40 लोगों की मौत हो गई। जब मैं मम्मी को बताया ना, मम्मी मंगाफ में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और 40 लोगों की मौत हो गई और उसमें से ना 40 लोग इंजर्ड हो गए। तो ये जब मैं मम्मी को बताया ना, मम्मी एकदम रोने जैसा हो गई थी और है ना, और बोली कि तू भाई तू चले आ, मेरे को तेरा पैसा नहीं चाहिए, मेरे को वहाँ का कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मेरा बच्चा मेरे को मेरे सही सलामत चाहिए। और सब लोग एकदम टेंशन, मेरी वाइफ भी बोल रही थी भाई तू भी चले आ, नहीं चाहिए हम लोग को तुम ऐसा पैसा, कुछ भी हो जाए तुमको तो हम लोग क्या करेंगे तुम्हारे बिना, मतलब समझ रहे हो। एक 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 डर सा हो गया था उनके उनके फेस पर, और उनके मम्मी तो रोने लग गई थी, मैं चुप कराया, मेरे को भी अभी आँख में आंसू आ रहा है। भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा कुछ वापस दोबारा हो। आई डोंट नो कि अभी कुवैत की जो जनता है, जो लोग हैं कुवैत के मतलब मिनिस्ट्री वाले क्या 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 मतलब क्या एक्शन लेंगे कुछ नहीं पता है मेरे को। और अगर कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, कैसे हुआ क्या इंक्वायरी, कोई न्यूज़ आता है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। अभी हालांकि ये न्यूज़ इंडिया के टीवी पर, NDTV पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह पे ये न्यूज़ दौड़ रहा है कि भाई मंगाफ में कुवैत में आग लग गई और 40 लोग का देहांत हो गया। ये बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। हम लोग अपनी फैमिली छोड़कर यहाँ पर आए क्योंकि एक अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सके, मगर पता चलता है कि यार आपके साथ में ही गलत हो गया है। और आप लोग बहुत मतलब फील हो रहा था मेरे को जब मम्मी को बताया, मम्मी तो टेंशन मत ले मैं सही सलामत हूँ मैं डेफिनेटली आ जाऊँगा, तभी ये बात थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा। एंड मम्मी थोड़ी सी भगवान को राम राम करने लगी, गई मंदिर में वो सब प्रेयर वेयर करके आए, मतलब मम्मी टेंशन मत ले मैं ठीक हूँ। तो भगवान ना करे यार किसी के साथ में ऐसा कुछ हो। तो सही में बता रहा हूँ थोड़ा सा बुरा लग गया था मेरे को, बाकी कुछ नहीं है, आप बाकी की बातें बाद में करेंगे। अभी शाकिर आ गया है काम यहाँ पर से, उसकी बस मिस हो गई थी, तो मैं बोला कि 20 मिनट में थोड़ा बैठ के आता हूँ, घर पे बात करके आता हूँ। मैं जा रहा हूँ मम्मी को फ़ोन करने के लिए, बातें करूँगा फिर जाऊँगा यहाँ से। भाई साहब हालत ख़राब हो गई, कैसा लगा भाई? भाई बहुत हालत टाइट हो गई कसम से। मैंने डिलीवरी देखा ना भाई, मैं घबरा गया, मैं बोला आज गए, आज 2 बज जाएंगे भाई। अभी जो ईद आने वाली है ना, तो ईद की वजह से कल पड़ गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 5 दिन। अब देखो क्या सीन होता है, इतना सारा डिलीवरी आया उसी के चक्कर में, पकड़ ना एक मिनट, उसी के चक्कर में रखते रखते मेरा हाथ भी कट गया, देखो पूरा खून भी निकल रहा था। तो फिर इसके अंदर मैंने लगाया
सैनिटाइजर लगाया मस्त, उसको टिश्यू से कस कस के पकड़ के रखा था, जाके खून बंद हुआ। अभी घर पे जाके बैंडेज कर लेंगे, नहीं भी करे तो चले जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई हालत ख़राब हो गई बहुत सारा था, और अच्छा हुआ डिलीवरी 9 बजे के बाद आया, नहीं तो मैं और ये बंदा खाली हम दोनों की तो और टाइट हो जाती। तो शाकिर आया, थोड़ा हेल्प हुआ, बट शाकिर लेट आया, जिसकी बर्थ छूट गई थी ना। और ऊपर से 2 लड़की है, और लड़की लोग तो बॉक्स उठा नहीं सकती है। अलग ही सीन है उसका, कुछ नहीं उठा सकती, लड़की को बोल भी नहीं सकती। चलो चलते फटाफट से यार, ये सारे सारे काम, बॉक्स उठाओ, अंदर रखो। मैं -18 में घुस के रख रहा था भाई, ठंडी के मारे सुसू आ गया अभी जोर से। दबा दबा। इसी पर पहुंच गए हम घर पे, और आज का सीन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा गर्म है, और जो इंसिडेंट हो गया वो थोड़ा सा बुरा लगा है। एंड ठीक है भगवान, ठीक करना सब कुछ, जो आप कर रहे हो आपका रचा रचा है, और कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उनकी सबकी आत्मा को शांति मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी तक यहाँ तक देखा है आपने। अभी थक गया हूँ यार, देख रहे हो आज फ्रोजन आने के चक्कर में कितने बज गए, 1:30 बज गए, और अभी सोना है और सुबह उठ के वापस भागना है। क्या ज़िंदगी है भाई, क्या ज़िंदगी है। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा देना। बाय बाय।